नंबर का काई ले जी, हम कैन का नीचे डालेगा बे। तुम एकदम बेवकूफ, अभी काला हो जी पूरा हम तुम। अबे यार कसम खुदा पाक की, ताप ले हो तुम। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम माय यूट्यूब चैनल से अभिषेक ब्लॉग। तो कैसे आप सब, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। टुसी भाई की दुआ से हम भी सब बहुत अच्छे हैं। क्या बोलते टुसी भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। टुसी भाई खाएंगे काजू कतली। काजू कतली। तो चलते हैं काम पे और खत्म करते हैं काम। और माशाल्लाह हर कस्टमर के घर के बाहर आपको मिलेंगे ताजे और फ्रेश पके हुए खजूर। ये एक कवर इसलिए लगाते हैं ताकि खजूर गंदे ना हो, इसमें कोई रोग ना पकड़े और चिड़िया वगैरह खराब ना करें। तो फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे इतनी रात में ये लोग क्या कर रहे हैं आग जला के। सही सोच रहे हैं आप लोग, सतर्क रहें, सावधान रहें, गर्मी में आग मत जलाएं। और आज है जुमेरात तो हम करने जा रहे हैं बारबेक्यू। हमारे दोस्त रुबेल भाई उधर मुर्गी में लगा रहे हैं मसाला और हम लोग तैयारी कर रहे हैं बारबेक्यू की। ये अपना भाई रुबेल। तो अभी जलाते हैं आग और करते हैं बारबेक्यू, मिलते हैं आपसे आगे। और तुसी भाई अपना बिल्ला पहले ऊपर कर लेते हैं क्योंकि टुसी भाई को बहुत शौक है फेमस होने का। इंशाल्लाह एक दिन फेमस हो जाएगा। तो फाइनली गाइस, टुसी भाई की मेहनत सफल हो गई, आग फुल चरम सीमा पे जल चुकी है और इसका रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है। अभी इसमें रखते हैं जाली। यला हबीबी, और ये लगा दिया इसमें जाली। ये एक साइड में रखना भाई, इस साइड में रखना, कोयला जब रेडी हो जाएगा फिर इसके नीचे खिसकाते जाएंगे। तो पहला स्टेप हो गया कम्प्लीट, जाली रख गई इसके ऊपर और अभी थोड़ी देर में इसके ऊपर आ जाएगी अचानक से मुर्गी। तो फाइनली गाइस, रुबेल भाई के करकमलो द्वारा अब इसमें आ चुका है चिकन और ये हो रहा है बारबेक्यू। ये हम हैं और ये हमारा चिकन और यहाँ पॉटी हो रही है रुबेल भाई के वजह से। माशाल्लाह रुबेल भाई काफ़ी स्मार्ट लग रहा है, खूबसूरत तो पहले से पैदाइशी स्मार्ट है। तो अभी अगला स्टेप हो चुका है, दिखाते थोड़ी देर बाद। क्या प्यारा माशाल्लाह कलर आ रहा है रुबेल भाई, देख। तो पॉटी अपनी शुरू हो चुकी है रुबेल भाई की वजह से, वरना हम लोग तो काम में थे। इसने गैस भर दिया कि भाई आज पार्टी होगी, तो बारबेक्यू शुरू हो चुका है अपना। तो फाइनली गाइस, आग भी रेडी हो गई और चिकन भी रेडी हो गया। अब इसके नीचे थोड़ी सी आग खिसकाएंगे, स्लो मोशन में इसको पकाएंगे, बढ़िया पकेगा। अगर तेज आंच में रख देंगे तो ये हो जाएगा काला, और वैसे भी हम काले हो चुके हैं, अब काला खाएंगे तो और करिया हो जाएंगे। वो वाला शेर सुना होगा आपने, ऐ गर्मी तेरे जुल्म का जरिया हो गया हूँ, थोड़ा तो रहम कर, मैं बहुत करिया हो गया हूँ। तो रुबेल भाई की मोहब्बत में आज हो गई बार। तो अभी फाइनली रुबेल भाई इसमें लगा रहे हैं मसाला और तेल, क्योंकि अगर तेल मसाला ऊपर से लगाते रहेंगे तो बढ़िया से फ्राई होगा और अगर छोड़ देंगे तो हो जाएगा काला। तो आग दूर रखने के बाद देखिए थोड़ा स्लो मोशन में भुन रहा है अभी ये। तो जैसे जैसे भुनेगा वैसे वैसे अपनी भूख बढ़ेगी और फिर हो जाएगी क्या होगा भाई, तुसी भूख बढ़ेगी, इसके बाद होगी छनाई। तुसी का केवल एक टारगेट है छनाई। अबे काम भी कर ले काहिल आदमी, एक नंबर का काहिल है गाइस। इसको जहाँ भी देखना तुरंत इसको कोई ना कोई काम बता देना, क्योंकि एक नंबर का आलसी, एक नंबर का काहिल है, खाता है तुरंत निकल जाता। तुम एकदम बेवकूफ, अभी काला हो जी पूरा हम तुम। अबे यार कसम खुदा पाक की, ताप ले हो तुम। गाइस अगर ये चिकन काला हुआ तो उसका जिम्मेदार ये होगा करिया साला। अभी हम बोले भी नहीं, उसके नीचे डालो सब खराब कर दे रहे। रुको एक मिनट, मिलते हैं। तो फ्रेंड्स गाड़ी एक, ड्राइवर है चार, बारी बारी चला रहे हैं, गाड़ी जाएगी तब। तो हमने कह दिया टुसी भाई से थोड़ा देर सबर करो, आराम करो। तो टुसी भाई खलासी बनने की बहुत ख्वाहिश में रहते हैं। देखो अब काम करने का नंबर है तो भाग की इधर बैठ गए हैं। और आप देख सकते हैं गर्म बहुत ज़्यादा, ये तो मोहब्बत है रुबेल भाई की, वरना इस टाइम बारबेक्यू करने का कोई प्लान नहीं था क्योंकि गर्म बहुत ज़्यादा है और सर्दियों में ये प्रोग्राम होते हैं। लेकिन फिर भी हमने इनकी जबान नहीं काटी क्योंकि हमारे बहुत अच्छे अजीज दोस्त हैं और ये हमारे बहुत हर टाइम चिकन खाता है लेकिन मोहब्बत में हमारे। तो ये स्टेप हो गया तुसी भाई के अजलत में, ये थोड़ा सा काला हो गया। तुसी भाई ने जबरदस्ती अपनी मर्जी से इसके अंदर कोयला धक्का दे दिया, तो कोयले को और हमने बोला भी नहीं तो उसके अंदर घुसेड़ दिया। हमने कहा जब हो जाएगा तब अंदर डालेंगे, अपनी मर्जी से डाल दिया उसने। तो फाइनली गाइस सूरत हाल ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बेहतर हो चुका है, 30% पक चुका है, 70% कच्चा है अभी। और गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, इसको तो हम सोच रहे हैं कि इसे धूप में रख देते तो इसकी बारबेक्यू हो जाती। आग गलत जला दिया हमने क्योंकि आप देख सकते हैं गर्मी की कंडीशन क्या है, बिना किसी मेहनत के पसीना बहुत ज़्यादा निकल रहा है। तो खैर कोई बात नहीं, टुसी भाई हमारे लाइट और साउंड और टेंट का काम शुरू कर चुके हैं। तो यहाँ पे ये गवर्नमेंट की लाइट चल रही है, मगर टुसी भाई को अंधेरा लग रहा था तो ये लिया है अपना सेफेन और इसको सर्चिंग के हिसाब से लगा दिया है। तो टुसी भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फाइनली गाइस काउंटडाउन शुरू हो चुका है और फाइनल टचअप दे दिया गया है इस दुल्हन को, यानी कि बारबेक्यू वाली मुर्गी को। और लास्ट में आ चुके हैं लहसुन प्याज अदरक धनिया टमाटर नींबू पुदीना, ये अपना रोल निभाने के लिए, क्योंकि खाली भुनी हुई मुर्गी खाने में नहीं इतना मज़ा आता जितना प्याज लहसुन टमाटर खाने में मज़ा आता है। तो रुबेल भाई ने लगा दिया तेल और इन्होंने मुर्गी के तेल लगा दिया, अब किसी के तेल लगाने की जरूरत नहीं है, जब तक ये कैद में रहेंगे तब तक बिंदास मुर्गी। और ये सर्चिंग लाइट जो कि टुसी भाई लाए हैं गाड़ी से और यहाँ पे देंगे सर्चिंग और बनाएंगे बारबेक्यू। तो प्रोजेक्ट अपना तैयार हो चुका है माशाल्लाह, काफ़ी बढ़िया से अच्छी तरीके से बारबेक्यू हुआ है, ब्राउन हुआ है, ब्लैक नहीं हुआ।
तो थोड़ी देर के बाद जब फाइनल टचअप दे देंगे उसके बाद में। गौर से देखिए इस शख्स को, ये प्लेट और पानी लेके बैठ गया है, जैसे लग रहा है 3 दिन से खाना नहीं खाया। अब तुसी कुछ तो शर्म करो यार, कसम से। अब कोल्ड ड्रिंक लेके आ रहा। अच्छा अभी देखो, अभी तक ये बैठा था प्लेट और पानी लेके, अब जा रहा है कोल्ड ड्रिंक। तो फाइनली गाइस फुल राउंड सारा टचअप सारा कुछ सब कुछ हो गया, जो जो करना चाहिए था, प्याज लहसुन अदरक टमाटर सब भुन गया है। और ये हमारे आज के शेफ रुबेल भाई, सारा क्रेडिट इनको जाता है खाने के बाद। और उधर लग चुका है दस्तरखान विद कोल्ड ड्रिंक। और तुसी भाई, हाँ किस चीज़ का इंतजार है? खाने का। तो फाइनली गाइस पूरा हो गया मामला कम्प्लीट, और सब लोग अपने अपना नंबर बढ़ाने के लिए कोई स्नैप बना रहा है, कोई स्टेटस लगा रहा है। और रुबेल भाई ने काफी मेहनत की माशाल्लाह, तो इसका रिजल्ट बारबेक्यू हो गया रेडी। और तुसी भाई इधर देखो, ये अब्दुल्ला की शादी में बेगाने दीवाने, ये खाली मोबाइल लेके इधर उधर घूम रहे हैं। और तो फाइनली गाइस पार्टी हो गई फाइनल। और ये अब आए हैं, वो बोलते हैं ना छिंगुलिया कटा के शहीदी में नाम लिखाना, तो मुदीर का काम यही होता है, सिर्फ अपनी छिंगुलिया कटा के दिखाएंगे शहीदी में नाम, क्योंकि अभी मुहर्रम चल रहा है, करबला का महीना है। तो बस ये रुबेल भाई की मेहरबानी थी, छोटी मोटी पार्टी हो गई। मेहनत बहुत ज्यादा की, हम मजाक कर रहे थे, हल्के में लेने बहुत मेहनती लगाई है, जूलिया धोता है, घर धोता है, गाड़ी धोता है, जो कहो सब करता है, बहुत मेहनत है, बहुत मेहनती लगा इसको, हल्के में लेना। और मोहनदीस ने निकाल दिया पार्टी, तो चलते हैं अब दस्तरखान, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो फाइनली गाइस लाल बत्ती के साथ अपना मामला हो गया रेडी, और शुरू करते हैं अब। तो फ्रेंड्स पार्टी हो गई कम्प्लीट, आकी भाई का कहना था कि खाना भी ले आओ, तो सारा खाना भी यहीं हो जाएगा। तो फाइनली गाइस सारा खाना एक साथ होगा, और हम लोग सब लोग मिल के पार्क में बैठे हैं, आकी भाई भी आ गए। आकी भाई का कहना है कि खाना यहीं ले आओ, एक साथ खाते हैं बारबेक्यू और मटन, मटन रोगन और बारबेक्यू। तो शुरू करते हैं पार्टी। तो फाइनली गाइस अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छी तरीके से बन गया है, और शुरू करने जा रहे हैं खाना लेके खुदा का नाम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो तुसी भाई शुरू कीजिए, हेलो हाय कर दो तुसी भाई पब्लिक को, हाय हू आर यू, हू आर यू। अब भिड़ जाओ खाए में, बाद में देखा जाए। सही बताओ, तो तुसी भाई शुरू हो गए हैं, हाउ आर यू, हू आर यू बाद में करेंगे। और ये लोग कुछ कहना चाह रहे हैं आपके बारे में, हाँ बोलो। लाइक करो, शेयर करो, उड़ा दो, उड़ा दो। तो कहने का मतलब ये है कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और ब्लॉग कहीं से करते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस। रुबेल भाई का कहना है उड़ा दो, वायरल कर दो, सब्सक्राइब करके रख दो भाई, तुम हाँ रुबेल सब्सक्राइब करके उड़ा दो, उड़ा दो।